हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 9 सिखाऊंगी, जो क्लास 8 चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का पार्ट है। क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर मैं 12 को स्क्वायर करूं जो होता है 144, और 13 को स्क्वायर करूं जो होता है 169, तो आपको ये बताना है कि 144 और 169 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। अब इसमें एक ऑब्वियस फैक्ट है कि 144 और 169 के बीच में जो भी नंबर आएंगे, 145 से स्टार्ट होके 168 तक जितने नंबर आएंगे वो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ये तो फैक्ट है। ये फैक्ट क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स उठाते हैं। अब ये जो रिजल्ट है ये कंसेक्यूटिव नंबर्स के लिए ट्रू है। जैसे मैंने 1 स्क्वायर ले लिया और 2 स्क्वायर ले लिया, 1 और 4 ले लिया, बेसिकली वो यही कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। और उसने बोला कि कितने नंबर इनके बीच में आते हैं। जब भी आप बिटवीन निकालते हैं तो आप ऑपरेशन डिफरेंस का यूज करते हैं, माइनस करते हैं तभी बिटवीन नंबर निकलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 1 से लेके 10 तक हाउ मेनी नंबर्स आर इन बिटवीन, हाउ मेनी नंबर्स आर इन बिटवीन, तो आप इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करेंगे, वो ऑपरेशन यूज करेंगे। इसलिए डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर विल बी 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 विल बी 3। अगर हम वैसे पढ़ें कि 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर जो 4 है और 1 स्क्वायर जो 1 है उसके बीच में कौन से नंबर आएंगे, तो वो आएंगे 2 और 3। यहाँ पे आ रहा है 3 नंबर आएंगे, यहाँ आ रहा है 2 नंबर आएंगे। इसको समझिए, 2 स्क्वायर होता है 4, 1 स्क्वायर होता है 1। एनी नंबर विच इज बिटवीन 1 एंड 4 विल बी 2 एंड 3 ओनली। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, जब आप नॉर्मल डिफरेंस ऑफ नंबर निकालते हैं तो एक नंबर हमेशा इंक्लूजन में रहता है। अगर आप 4 माइनस 1 3 लिखते हैं तो आपका एक नंबर तो एक्सक्लूड होता है, क्योंकि आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 इज एक्सक्लूडेड बट 4 इज इंक्लूडेड। लेकिन जब आप नंबर बिटवीन निकालते हैं तो ना तो आप 1 ले सकते हैं ना आप 4 ले सकते हैं। आपने क्लास 6 में होल नंबर के चैप्टर्स में ये क्वेश्चन पढ़ा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम 1 और 10 के बीच में निकाल लेते हैं तो आप कहेंगे 10 माइनस 1 9 नंबर्स लाए। लेकिन अगर आप अपने फिंगर्स पे गिनेंगे या हम उसके बिना भी गिन लेते हैं, 1 और 10 के बीच में ना हम 1 ले सकते हैं और ना हम 10 ले सकते हैं, तो नंबर आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इनको गिनिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, 8 नंबर्स आर लाइंग। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप नंबर इन बिटवीन निकाल रहे हैं तो आपको ये नंबर को माइनस करके माइनस 1 और करना है। इसकी वजह से जब आप डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, बट द नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन इज नॉट 3, दे आर 2। सो 2 परफेक्ट स्क्वायर, हम कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लेते हैं, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर। अब हमारे इसके बीच में 4 एंड 1 के बीच में देर आर 2 नंबर्स, 2 एंड 3, सो द काउंट इज 2n। ये हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे, वेयर माई n इज द स्मॉल नंबर,
ये एन है और इससे जो बड़ा वाला नंबर है वो एन प्लस वन है, तो दैट इज टू इंटू वन टू। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स के साथ हम बिटवीन भी लिखेंगे, बिटवीन निकालेंगे इन स्क्वायर नंबर्स के बीच में, बिटवीन दी स्क्वायर नंबर्स हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर ऑब्टेन्ड। ओके, अब हम आगे चलते हैं, हम ले लेते हैं टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर। टू स्क्वायर मेरा हो जाएगा फोर और नाइन, तो अगर मुझे इन बिटवीन निकालना है तो मैं नाइन माइनस फोर माइनस वन करूंगी, विच विल बी नाइन माइनस फाइव, तो दे विल बी फोर नंबर्स, नेमली कौन से होंगे, फोर के बाद गिनेंगे फाइव सिक्स सेवन एट, सो देयर आर टोटल फोर नंबर्स। और फोर नंबर्स को अगर हम छोटे वाले को एन लेंगे और उससे एक ज्यादा को एन प्लस वन लेंगे, तो मैं फोर नंबर्स को टू एन टू इंटू टू भी लिख सकती हूँ। आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं थ्री स्क्वायर और फोर स्क्वायर। थ्री स्क्वायर होता है हमारा नाइन, फोर स्क्वायर होता है हमारा सिक्सटीन, तो इन बिटवीन नंबर विल बी सिक्सटीन माइनस नाइन माइनस वन, तो सिक्सटीन माइनस टेन सिक्स नंबर्स। सिक्स नंबर्स कौन से आएंगे, नाइन के बाद टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, आप गिन सकते हैं सिक्स नंबर्स हैं। सिक्स नंबर्स कैन बी रिटन एज टू एन, एन क्या है छोटा वाला नंबर, तो दैट इज टू इंटू थ्री। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। फोर स्क्वायर और फाइव स्क्वायर ले लेते हैं, ये 25 आएगा, 4 स्क्वायर 16 आएगा, नंबर्स इन बिटवीन आएंगे 25 माइनस 16 माइनस 1 व्हिच विल बी 25 माइनस 17, तो ये कितने नंबर आएंगे आपके, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 25 माइनस 17 विल बी 8 नंबर्स। ओके, सो दिस विल बी 16 के बाद लिखेंगे 17 18 19 20 21 22, 23 और 24, तो ये हमारा आ गया 8 नंबर्स विच कैन बी अगेन रिटन एज 2 इंटू 4, जहाँ पे 4 हमारा n का रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को जनरलाइज करके n स्क्वायर और n प्लस 1 होल स्क्वायर पे भी ले जा सकते हैं। तो कितने नंबर्स यहाँ पे आएंगे, इट विल बी 2n। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जब हमने डिफरेंस ऑफ द नंबर निकाला, नॉर्मल डिफरेंस जब हम निकाल रहे हैं, तो n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विल बी 2n प्लस 1, लेकिन मुझे नॉर्मल डिफरेंस नहीं निकालना है क्योंकि मुझे बिटवीन निकालना है, तो एक और लेस होगा। वी फाइंड दैट बिटवीन n स्क्वायर एंड n प्लस 1 होल स्क्वायर देयर आर 2n नंबर, बिटवीन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, which is one less than the difference of two number. So, in general, we can say that there are 2n non-perfect square numbers between the squares of the number n and n plus 1. n और n plus 1 consecutive हैं, एक दूसरे के बाद हैं. तो आइए अब ये वाला question इसी concept पे हम करते हैं। यहाँ पे हमारा छोटा वाला नंबर n है, बड़ा वाला नंबर हमारा n प्लस 1 है, सो देयरफॉर टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन, इनके स्क्वायर्स के बीच में निकालना है, बिटवीन 13 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर विल बी 2 n, ये फॉर्मूला याद करेंगे, n छोटा वाला नंबर है, सो देयर विल बी 24 नंबर्स। कौन से नंबर्स है वो एविडेंट है 145 से लेके 168 तक, बट आपको फिंगर पे नहीं काउंट करना है, आपको फॉर्मूले का यूज करना है। आइए एक और पार्ट ले लेते हैं इसका, n हो गया 25, n प्लस 1 हो गया 26, सो देयरफॉर
टोटल नंबर, टोटल नंबर लाइंग बिटवीन 26 स्क्वायर एंड 25 स्क्वायर विल बी 2n. तो 2 इंटू छोटा वाला नंबर 25. सो देयर आर 50 नंबर्स. इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं. यहाँ पे हमारा n 99 है, किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, बट आपको छोटा नंबर n लेना है, बड़ा वाला n+1 लेना है. सो हाउ मेनी नंबर्स लाइ बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? सो टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन the square of the, ये the लिख दिया तो आप square लिख दीजिए, word square of 100 and square of 99. statements में भी लिख सकते हैं, that's not a problem. 2n, 2 into 99, it will be 198. let us do the calculations also to be double sure. 198 numbers will be there between the square of 99 and 100, and they all will be non-perfect square numbers because these are the squares of the consecutive number. 99 ka square kar rahe hain, fir 100 ka square kar rahe hain, to uske beech mein koi number hi nahi hai. To iska matlab 99 ke square aur 100 ke square ke beech mein jitne number aaye hain, they all are non-perfect square numbers. So this was the explanation of question 9. अगर आपको कोई भी query हो तो आप comment section में post कर सकते हैं. मैं अपने next video में exercise 6.2 का question 1 करना सिखाऊंगी. Thank you. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.